प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। कानपुर के जाम में फंसी श्रीलंका की लीजेंड्स की टीम ग्रीन पार्क से होटल जा रही थी। बांदा में गणित उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए केशव मौर्य बोले अखिलेश हार से बौखला गए। मोदी नगर में मुख्य हत्यारोपी गिरफ्तार, पेचकस से मारकर की थी महिला की हत्या। लखनऊ में प्रेमी के साथ की पत्नी की हत्या, पत्नी ने दुपट्टे से गला घोटा, चेहरा बिगाड़ने के लिए चढ़ाई। जौनपुर में नहीं मिल रहे हैं पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस के रोगी, सर्विलांस के माध्यम से 14 रोगियों की पहचान। नीतीश और अखिलेश के साथ साथ लखनऊ में सभा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा यूपी बिहार गई मोदी सरकार। यूपी में सरकारी किताबों के राष्ट्रगान से बंगाल गायब, प्रदेश भर में 1 से 8 तक बांटी गई किताबें। गोंडा में कूड़ा फेंके जाने पर हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट, को रिपोर्ट में हटाया दिया गया आदेश। युवक ने किया 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म, घर के बाहर खेल रही थी, बहला फुसलाकर ले जाकर किया रेप। अमरोहा में युवक की पिटाई से 5 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मारपीट का वीडियो। विसर्जन के दौरान डूब रहे बच्चे को बचाने का वीडियो वायरल, झांसी में 5 बच्चों को डूबता देख कूदा युवक, 3 को बचाया। सुल्तानपुर में सरकारी दवाओं में खेल जारी, कूड़े के ढेर में पड़ी मिली मेडिसिन व ORS की घोल। लखनऊ में कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट को काटा, ब्लीडिंग होने की वजह से KGMU में 2 दिन राह भर्ती। हमीरपुर में हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बने पुलिसकर्मी, कर्मियों ने मिठाई बांटकर जताई खुशी। दिव्यांग को नहीं मिली टाई साइकिल तो पहुंचा कलेक्ट्रेट, ADM से निकल रही थी गाड़ी, बैरियर लगाकर रोका वाहन। उन्नाव में गैंगस्टर के 14 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क, लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील के गांव सिक्का में हुई कार्रवाई। बहराइच में सड़क किनारे मिला पुजारी का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, हत्या की आशंका। मुरादाबाद स्कूल जा रहे थे 2 छात्रों की स्कूटी पर चढ़ाई कार, भीड़ ने कार सवार युवकों को पीटा। कानपुर में गंगा की धारा को मोड़कर UPPCB का एक्शन, खनन पट्टाधारक पर लगाया जुर्माना। संत कबीर नगर में BDO प्रधानों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बोले ब्लॉक का डोगल दलालों के माध्यम से लग रहा है। हरदोई में नव नियुक्त SDM ने गांव का किया निरीक्षण, आयुष्मान कार्ड और सूखा को लेकर गांव के लोगों से मिले। बुलंदशहर में प्रसव के समय महिला की मौत, प्राइवेट अस्पताल के बाहर परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। शाहजहांपुर में BDC मेंबर समेत शराब बनाते 2 गिरफ्तार, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कुशीनगर में गलत इंजेक्शन से बिगड़ी बच्चों की हालत, जिला अस्पताल में रात में परिजनों ने किया हंगामा। जलौन में पहुंचे संजय निषाद, कस्तूरबा विद्यालय और महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। गाजियाबाद में पूर्णागिरी एक्सप्रेस में सिपाही ने चुराया TTE का बैग, ट्रेन से टिकट नहीं होने पर टोका था, खुन्नस में उठा लिया गया। पुलिस को गोली लगने से गैंगस्टर घायल, मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबोचे 2 ट्रांसफार्मर चोर, अवैध हथियार बरामद। केजरीवाल की शराब नीति यूपी वालों को पड़ी भारी, गौतम बुद्ध नगर में पकड़ी गई 35 लाख की शराब, 235 को भेजा गया जेल। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराकर उछली पलटी स्विफ्ट डिजायर कार।
जलौन में भगवान राम पर की गई टिप्पणी, बजरंग दल और भीम आर्मी आई आमने सामने, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में ब्रह्मास्त्र मूवी को विरोध में मिला जुला असर, शो में 30% से 40% लोगों ने ही इस मूवी को देखा। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने किया थाने का औचक निरीक्षण, पुलिस निरीक्षण में पैदल गश्त भी किया। बुलंदशहर में मिट्टी की ढांग गिरने से किशोरी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में 11 दिवसीय गणेश महोत्सव का हुआ समापन, पूजन अर्चन और विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का हुआ समापन। बुलंदशहर में 10 साल की दलित किशोरी से रेप, 50 वर्षीय वृद्ध पर घटना को अंजाम देने का लगा आरोप। देवरिया में दहेज लोभियों ने बहला फुला के उतारा मौत के घाट, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद हत्या के मामले में पुलिस ने पति सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने थाने में किया घेराव। हरदोई पंचायत में मची बंडरबाद और डीएम ने किए जांच के आदेश, भ्रष्टाचार के दल में डूबे कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। देवरिया में खरवार जाति का नाम अंकित करने वाले को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। हरदोई में अफवाह के बाद मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए एसपी ने संभाला मोर्चा, कॉलेज पहुंचकर बच्चों को किया जागरूक। कानपुर में स्कूल वालों की प्रताड़ना से छात्र ने की आत्महत्या का प्रयास, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने छात्र को निकाला बाहर। हरदोई में बच्चों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मामले को किया दर्ज। लखीमपुर खीरी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी को दी श्रद्धांजलि। हरदोई में सट्टा किंग मामा युवकों को कर रहा है बर्बाद, युवकों ने 3% पर प्रलोभन देकर कर रहा था बर्बाद। लखीमपुर खीरे पर धरने पर बैठे डॉक्टरों ने की एफआईआर की मांग, सुरक्षा कर्मियों व भाजपा नेता में मारपीट का मामला। लखनऊ में बच्चा चोरी अफवाह को लेकर प्रशासन सख्त, सोशल मीडिया पर अफवाह का त्वरित रूप से खंडन करने का दिया निर्देश। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन से टकराई कार, युवक युवती की मौत, फरवरी में होनी थी दोनों की शादी। लखनऊ में लेवाना होटल अग्निकांड के बाद जागा एलडीए, एलडीए ने 140 अवैध होटलों की सूची किया जारी। मथुरा में जेल से भागने के प्रयास में किशोरों को मिली तालिबानी सजा, खंभे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा। महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि पर देश भर में जुटे महात्मा, प्रयागराज में संतों ने दी श्रद्धांजलि, शिवपाल सिंह यादव भी रहे श्रद्धांजलि में मौजूद। उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे 5 लोग, 3 की मौत, मौत से गांव में पसरा मातम। प्रयागराज में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा 2024 में मुझे सरकार में ही रहना है। अलीगढ़ में केवल 8 होटलों में 90 हॉस्पिटलों के आसपास के एफआईआर एनओसी, अधिकारियों की लापरवाही से फरार फायर एनओसी के बिना चल रहे हैं संस्थान। प्रयागराज में शिवपाल और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थक आमने सामने, बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने की नारेबाजी। चंदौली में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस की जनपद वासियों से अपील, झूठी अफवाह फैलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। औरैया में करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत, बच्चे की मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। अमेठी में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर प्रशासन सख्त, पुलिस अफवाहों से निपटने के लिए लोगों को किया जागरूक। बदायूं में संदिग्ध हालातों में सिपाही की मौत, अचेत अवस्था में बैरक के अंदर पड़ा मिला सिपाही। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप, समय रहते हुए फायर ब्रिगेड आग पर पाया काबू। देवरिया में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गोली चलने से मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस।
फतेहपुर में निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। बुलंदशहर में अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को कंधे पर ले जाते दिखे ईमानदार युवक का इलाज न करने पर लगा आरोप। गोंडा में पीड़ित महिला ने पुलिस को कार्यशैली पर उठाया सवाल, दबंगों की पिटाई से गरीब परिवार के कई लोग घायल। हमीरपुर में सवारियों से बस अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई, बस के टकराते ही सवारियों में मची भगदड़। कानपुर में 2 मिनट के अंदर स्कूटी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 3 चोर, एम ब्लॉक रामजी नगर मार्केट घटना। बुलंदशहर पहुंचे लोक निर्माण राज्य मंत्री विजय सिंह, अफसरों के साथ किया विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। लखीमपुर खीरी में दलित युवक की दबंगों ने जमकर की मारपीट, दबंगों ने युवक की लोहे की रॉड से की मारपीट। लखनऊ में बच्चा चोरी की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने संदिग्ध और बेरहमी से पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्त में लिया। लखीमपुर खीरी में ई रिक्शा से बाइक सवार टकरा, ई रिक्शा सवार आधा दर्जन छात्र घायल। लखनऊ में दबंगों का बोलबाला, दर्जन भर युवकों ने 2 युवकों को जमकर पीटा, पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। संबल में मामूली कहासुनी में 2 भाइयों के चलते जमकर लाठी डंडे चले, एक भाई ने बेटे को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। सिवस्ती में गणेश विसर्जन के दौरान देर रात हुआ हादसा, जुलूस में शामिल अनियंत्रित डीसीएम ने जुलूस में शामिल कईयों को रौंदा। अन्नाव में बच्चा चोर समझकर महिला व पुरुषों में जमकर हुई मारपीट, तीनों को थाने लाकर पुलिस कर रही पूछताछ। नहर में कूदे युवक को 2 दिन बाद निकाला शव, पारिवारिक कलह से परेशान होकर नहर में कूदा युवक। के इलाज से बच्चे की जान गई, मृतक बच्चे के परिजनों को ले लगा इंजेक्शन लगाने का आरोप। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार।